असलकुम डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है बर्थ तो बर्थ से पहले स्टूडेंट्स हम एक वर्ड एक टर्मिनोलॉजी को देखेंगे दैट इज द दस्टेशन पीरियड या हम इसको प्रेगनेंसी डेशन भी कहते हैं स्टूडेंट्स ये गेस्टेशन पीरियड एक ऐसा टाइम डन है जो कि फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक रहता है जिसमें मदर बेबी को अपनी बॉडी में कैरी करती है द लेंथ ऑफ द टाइम टेकन फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू बर्थ कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बीइंग में जो गेस्टेशन पीरियड या जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है वो टू एटी डेज है और डिफरेंट मैमल्स में जो गेस्टेशन पीरियड है ये वेरी करता है नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ प्लेसेंटा एंड फ्रेंड्स प्लेसेंटा क्या है प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मदर और फीटस के दरमियान कनेक्शन करता है एक स्ट्रक्चर जो मदर और फीटस के दरमियान कनेक्ट को कनेक्ट करे उस स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा कहते हैं प्लेसेंटा इज़ द टेम्प्रेरी लिंकेज टेम्परेरी ये परमानेंट नहीं होता जब तक प्रेगनेंसी है उस वक्त तक ये रहता है ये एक टेम्प्रेरी लिंकेज है एंड रीजन विच प्रोवाइड एन एसोसिएशन बिटवीन यूट्रस एंड एम्ब्रियो यूट्रस और एम्ब्रियो के दरम्यान एसोसिएशन प्रोवाइड करता है इट सर्व एज ए साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने की साइट है एंड वेस्टेज बिटवीन मदर एंड फीटस मदर और फीटस के दरम्यान में, में। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड आया है फीटस फ़ीटस क्या है जो एम्ब्रियो है थ्री मंथ के बाद ह्यूमन बींग का जो एम्ब्रियो है थ्री मंथ के बाद जिसमें तमाम ऑर्गन्स डिवेलप हो जाते हैं मीन के ऑर्गेनोजेनिस के बाद उस एम्ब्रियो को हम फीटस कहते हैं इट इज़ हाईली वास्कुलालाइज स्ट्रक्चर फाउंड इन द यूथीरियंस सबसे पहले हम देखेंगे यूथीरियंस क्या है ऐसे मैमल्स जिनमें प्लेसेंटा मौजूद हो उनको हम यूथीरियंस कहते हैं ये वाला जो प्लेसेंटा है इसको वास्कुरालाइज मीनिंग इसको ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई है ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर दी जाती है इसको हम कहते हैं वास्कुरालाइज जो प्लेसेंटा उसको वास्कुराराइज किया जाता है देन स्टूडेंट्स अब ये जो प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज करेगा उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन इट आल्सो सिक्रीट सर्टेन हार्मोन्स फ्रॉम इट्स कोरियोन लेयर प्लेसेंटा की एक लेयर है कोरियोन उसकी लेयर्स कोरियोन लेयर से ये प्लेसेंटा एक हारमोन सिक्रिएट करता है एक्ट लाइक एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन ये दो हार्मोन्स के नाम हैं uh, और पिच्यूट्रीगलैंड पिचुट्रीगलैंड के ल्यूटिंग हारमोन एंड ल्यूट्रियोट्रोपिक हारमोन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमने हार्मोन्स का जो सिस्टम है बाकायदा चैप्टर नंबर सेवनटीन में डिटेल के साथ डिस्कस भी करना है अब यहाँ पे जस्ट हम इनके नाम ही लिखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमने लास्ट लेक्चर में, में भी डिस्कस किया था काज स्क्रीशन ऑफ परोजेस्टिरोन ये वाला जो प्लेसेंटा है ये की स्क्रीशन करेगा वंस प्लेसेंटा इज मेंटेन जब एक दफ़ा जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है इट क्रिएशन ऑफ प्रोजेस्टिर और ये प्रोजेस्टिर जो कि हार्मोन है एक इसको रिलीज करता है अब ये प्रोजेस्टिरोन हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी जो गेस्टेशन पीरियड है उसको मेंटेन कौन करेगा प्रोजेस्टिरोन स्टूडेंट्स ये एम भी है कि प्रेगनेंसी या या जो गेस्टेशन पीरियड इसको मेनटेन कौन करता है दैट इज द प्रोजेस्टिरोन नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो एग है इसके डिफरेंट लेयर्स होंगे जिस याद रखिएगा एग तीन किस्म के वर्टिब्रेट्स में एग है लेट्स मैं कहता हूँ ये एग है एग के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जो इसको प्रोटेक्शन कर रही है उस मम्ब्रेन को कहते हैं एमनियॉन अब एमियन है प्लस इसके गिर्द एक कोरियन मेम्ब्रेन भी मौजूद है और एक और मेम्बरेन होती है एलेंटोइस एक मेम्ब्रेन है कोरियोन और थर्ड वन मिमब्रेन दैट इज द एलेमनियोन का जो कि बेसिक हम बात करेंगे एमनियोन किन वर्टिब्रेट्स में ये याद रखना अपने एमनियोन मौजूद है रेप्टाइल में बर्ड्स में और मैमल्स में इनमें एमनियोन मौजूद है एमनीोन बेसिकली में की एक लेयर है जो एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है एमनियन और जिस एग के पास एमियोन प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद हो उस एग को हम कहते हैं एमनियोटिक एग इसके अलावा एलेंटोन एलेंटोन वेस्ट को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर है कॉरियन गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जो जो एग है इसके जो अंदर जो है वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है किस तरह उसको गैसेस एक्सचेंज होती है वो कॉरियोन रिस्पॉन्सिबल है ऐसे एग्स जिनके पास एमनियोटिक मेम्ब्रेन हो उसे हम एमनियोटिक एग है कहते हैं और मौजूद होते हैं रेप्टाइल में बर्ड्स में और मैमल्स में जो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एमनियोन की क्योंकि हमने कहा कि ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है विच कवर द एम्ब्रियो एम्ब्रियो को कवर कर रही है एम्बरू रिमेन क्लोज इन ए सैक लाइक एमनियोटिक सैक एमनियोटिक सैक एक आउटर मोस्ट कवरिंग है इसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद है सैक इज फिल्ड विद फ्लोइड इसके में फ्लोइड होता है कार्ड एम्योटिक फ्लोइड इज बहुत प्रोटेक्टिव और शॉक एब्जॉर्बर प्रोटेक्टिव भी है और शॉक एब्जॉर्बर भी है नेक्स्ट स्टूडेंट से टर्म आएगी लैक्टेशन लैक्टेशन को हम कहते हैं मिल्क प्रोडक्शन ह्यूमन प्लेस एंटा लैक्टोजन और हार्मोन फ्रॉम द दूट्री ग्लैंड अब प्लेसेंटा सेलैक्ट्रोजन और ल्यूट्रोट्रॉपिक हार्मोन पिचुटी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं ये दोनों स्टीमुलेट करते हैं मेमोरी ग्लैंड को कि वो लैक्टेशन एग प्रोडक्ट सॉरी मिल्क प्रोड्यूस करें और जो मेमोरी ग्लैंड ये चेस्ट रीजन में फीमेल की मौजूद हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स लैक्टेशन कब होती है बर्थ से थोड़ी देर पहले और याद रखिएगा जो मिल्क प्रोडक्शन है फीमेल्स में फर्स्ट बर्थ के बाद ही होती और से है और स्टूडेंट्स याद रखिएगा बर्थ के बाद होती है ये वाली नेक्स्ट फीटस ह्यूमन इज कॉल्ड फीटस ह्यूमन को एम्ब्रियो ह्यूमन के एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट स्टेज एक है वो एम्ब्रियो वो स्टेज कब होती है फर्टिलाइजेशन से थ्री मंथ से पहले पहले वो एम्ब्रियो है थ्री मंथ से लेकर प्रेगनेंसी तक तब तक uh, जो uh, जो एम्बरी उसको हम नाम देते हैं फीटस का स्टूडेंट्स ये फिटनस बेसिकली डेवलपमेंट की एक स्टेज है जो थ्री मंथ से नाइन मंथ तक एक ही नाम देते हैं दैट इज़ द फीटस अब स्टूडेंट्स रोल ऑफ एम्यूटी का एग हमने डिस्कस किया एलेक्ट्रेशन डिस्कस किया फीटस क्या है अब हम बात करते हैं स्टेप्स ड्यूरिंग बर्थ बर्थ के दौरान जो स्टेप्स होते हैं पहला आएगा स्टिमुलेशन फॉर द बर्थ स्टार्ट कि बर्थ को स्टार्ट करने के लिए जो स्टिमुलेशन आएगी वो कौन सी होनी स्टार्ट ऑफ लेबर पेन लेबर पेन एक शदीद पेन होती है फीमेल की बॉडी के वो प्रोसेस ऑफ बर्थ और आफ्टर बर्थ ये हमारे चार टॉपिक हैं स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टिमुलेशन ऑफ द बर्थ स्टिमुलेशन बर्थ क्या है जी इट वाज तो इट वाज तो अर्ली दैट डिक्रीज ऑफ इट वाज थॉट अर्लियर दैट डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है स्टार्ट बर्थ मीन कि प्रोजेस्टिड बेसिकली ये प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रही है जब इसका लेवल कम हो जाएगा तो ये स्टिमुलेट करेंगे बर्थ स्टार्ट होने वाली है बट नो no, जो ये प्रीमेटिव स्टूडेंट्स ये ख्याल था कि प्रोजेस्टिड का लेवल कम हो जाता है पहले ये सोचा जाता था लेकिन रिसेंट जो रिसर्च है उसने ये बताया कि जो प्रोजेस्टिड का लेवल अकेला नहीं उसको मेन्टेन कैसे किया जाता है अब यहाँ पर हम इसको रीड करते हैं बट नो रिसेंट एविडेंस सुजेस्ट दैट फिटस इट सेल्फ इज इन्वॉल्व इन द टाइम ऑफ बर्थ अब जो मौजूदा तहकीक है वो ये बताती है कि जो फीटस ये बजाते ख़ुद प्रोसेस ऑफ बर्थ को स्टार्ट करता है अब जो फीटस वो कैसे रोल परफॉर्म करता है हम इसको तीन स्टेप में देखते हैं फीटस ग्लैंड फीटस का जो पिचुट्री ग्लैंड है जो बेबी का जो प्यूटरी ग्रैंड प्रोड्यूस इनिशियल स्टेज स्टिमुलाई फॉर बर्थ ये एक इनिशियल स्टेज ऑफ द बर्थ के उसको एक पिचुट्री ग्लैंड प्रोड्यूस करता है वो कौन सी है जी एड्रीनोकोटिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज फ्रॉम द फिटर ग्लैंड फीटल की पिचुटी ग्लैंड से एड्रीनो ए सी टी एच इसका एब्रिवेशन है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हारमोन ये हारमोन रिलीज होता है पिचुटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट द फिटल एड्रीनल ग्लैंड जो फीटस के एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू तो प्रोड्यूस रिलीज कॉर्टिकोस्टीरॉयड अब कॉर्टिकोस्टीरोड फीटल्स का एड्रीनल ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली किडनी का ग्लैंड है और ये एक्टिव कैसे होता है जब फीटस का जो पिचुट्री ग्लैंड है ये ए सी टी एच हारमोन रिलीज़ करता है स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें पिचुट्री ग्लैंड एक हारमोन रिलीज़ करता है ए सी टी एच ये स्टिमुलेट करेगा एड्रीनल ग्लैंड को एड्रीनल ग्लैंड एक हारमोन प्रोड्यूस करेगा कॉटिकोस्टीरोइड हार्मोन और ये फीटस के हैं ये जो कॉर्टिकोस्टीर हार्मोन आफ्टर रिलीज इंटर अब ये फीटस की बॉडी से रिलीज होगा और इंटर हो जाएगा मदर की मेटरनल ब्लड सर्कुलेशन मदर की जो ब्लड सर्कुलेशन में इंटर हो जाएगा क्रॉसिंग प्लेसेंटा प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए कॉर्टिकोस्टीरोड हार्मोन डिक्रीज द लेवल इन द मदर प्रोजेस्टिटोन लेवल में मदर में प्रोजेस्टिटोन के लेवल को डिक्रीज करेगा स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ बिल्कुल स्टार्ट की तो हमने कहा था कि जो स्टिमुलेशन ऑफ बर्थ क्या है डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टिटोन लेवल लेकिन इस प्रोजेस्टोन लेवल का जो जुम्मेदार है डिक्रीज होने का वो फीटस है ना के मदर बजात खुद नहीं बल्कि वो फिटस ही है नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स व्हाट इज द स्टार्ट ऑफ लेबर पेन लेबर पेन कैसे स्टार्ट होती है डिक्रीज लेवल लेवलस्टोर का लेवल कम हो जाता है मदर की जो बॉडी का पिचुटरी ग्रैंड है प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन हार्मोन मदर की बॉडी का जो पिच्यूटरी ग्रैंड है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है बेसिकली इंड्यूस लेबर पेन लेबर पेन अब ये जो लेबर पेन है ये क्या है रिजल्ट इन टू द कंट्रेक्शन ऑफ यूटरस वाल यूटर वाल को कंट्रेक्शन uh, का जो जिम्मेदार है ये लेबर पेन है ऑक्सीटोसिन रिलीज अकर इन वेव ड्यूरिंग द लेबर लेबर पेन के दौरान ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोड्यूस प्रोवाइड फोर्स टू एक्सपेल या पुश करती है बेबी को फ्राम दूटस से बाहर मूव करें अब प्रोसेस ऑफ बर्थ क्या है जिसने यहाँ पे जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखा तो वहाँ पर हमने एक सर्विक्स देखा था एक सौराख है फीमेल की प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में तो वाल ऑफ द सर्विक्स इसकी जो वाल है एक्सपेंड एंड यूटर्न वाल कंट्रैक्शन Uh, जो ये सर्विक्स है इसकी वाल कंट्रैक्ट एक्सपेंड करेंगे और यूट्रन की वाल कंट्रैक्ट करेंगे स्प्रेड टूवर्ड द सर्विक्स जब यूट्रन की वाल कंट्रैक्ट करेंगे तो ये सर्विक्स की तरफ आएगा जो बेबी है दीज कंट्रैक्शन आर स्ट्रॉगेस्ट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ये ऊपर से नीचे यानी कि अपर टू लोअर साइड की तरफ ये कंट्रैक्शन होगी इन द यूटरस ऑफ द यूटरस सो इट पुशेस द बेबी डाउनवर्ड ये बेबी को डाउनवर्ड मूव करेगा एंड फाइनली बेबी इज डिलीवर्ड और ये डिलीवर हो जाएगा अब स्टूडेंट्स जब होता है क्या एम्बलिकल कॉर्ड इज़ लाइक्ड एंड बेबी इज़ रिलीज फ्रॉम द मदर जब बेबी मदर की बॉडी से बाहर आता है तो बाहर एक एम्बलिकल कॉर्ड मीन के ना एक लॉन्ग जो प्लेसेंटा का जो बाकी स्ट्रक्चर जो प्लेसेंटा और मदर की बॉडी के दरमियान कनेक्शन है ये तो तकरीबन तो ख़त्म हो जाता है लेकिन एक कनेक्शन रह जाता है मदर और बेबी के दरमियान उस कनेक्शन को कहते हैं बेसिकली वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड जो मदर और बेबी के दरमियान अटैच होता है अब जो बेबी है मदर की बॉडी से बाहर तो आ गया लेकिन एम्ब्लिकल कॉर्ड मदर और फीटस जो फिट जो बेबी है उनको दोनों के दरमियान अभी तक मौजूद है अब स्टूडेंट्स इसको ना ब्रेक किया जाता है इसको लाइगेटेड किया जाता है बारीक धागे से उसको रिमूव किया जाता है जो फीटस है उसके साथ भी अटैच रहता है और जो बाकी एम्बलिकल कॉर्ड का बाकी हिस्सा है वो मदर बॉडी में वापस इंटर हो जाता है नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आखिरी स्टेप है जी आफ्टर बर्थ बर्थ के बाद क्या होता है विद इन द टेन टू फोर्टी फाइव मिनट दस से फोर्टी फाइव मिनट के दरम्यान आफ्टर बर्थ यूट्रस कंट्रैक्ट यूट्रस कंट्रैक्ट होती है और सेपरेट द प्लेसेंटा फ्रॉम इट और प्लेसेंटा को अपने से अलहदा करती है ये वाला जो प्लेसेंटा इससे अलहदा हो जाता है इस रिलीज फ्रॉम द वजाइना वजाइना से इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है दस इज इज कार्ड आफ्टर बर्थ इसको हम आफ्टर बर्थ का नाम देते हैं नेक्स्ट फूडेंट्स हम बात करते हैं कि आफ्टर बर्थ में जो जो स्ट्रक्चर्स बॉडी से रिमूव होंगे उनमें मसल फाइबर्स सराउंड आल यूटरन ब्लड वैसल सप्लाई ब्लड टू प्लेस जो प्लेसेंटर को ब्लड सप्लाई कर रहे थे द कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स टेक प्लेस बाय कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसलस फाइबर विच कंट्रोल द ब्लीडिंग थ्रू दिस पीरियड इस पीरियड के दौरान जो भिद्रा में ब्लड है वो सारा रिमूव हो जाएगा या जितने भी डेबरे से वो रिमूव हो जाते हैं बॉडी से टेन टू फोर्टी फाइव मिनट के दरमियान एवरेज ब्लड लॉस इज़ अबाउट थ्री फिफ्टी सी एम क्यूब ये तकरीबन तीन सौ पचास सी एम क्यूब जो एक एवरेज एवरेज जो बर्थ है उसके दौरान रिलीज होता है नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे दो तीन टॉपिक्स के जिसको हम बुक से ही देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टेस्ट ट्यूब बेबीज टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या है कि वो लोग जो रिप्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन उनमें प्रेगनेंसी स्टे नहीं कर पाती है ऐसा होता है कि जो स्पम है एग तक पहुंच नहीं सकता तो उन लोगों में ऐसे किया जाता है उन लोगों में जो जो ऑफ स्प्रिंग है वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के ज़रिए की जाती है इसमें बेसिकली ये होता है कि जो मदर है वो स्पम्ब्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाती अब ये कहता है कि इसमें जो एग और स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन है आउटसाइड द बॉडी इसके लिए हम एक लफज इस्तेमाल करते हैं इन वाइट्रो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर जो फीमेल है उसकी बॉडी की आउटसाइड में जो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग करवाई जाती है बायो टेक्निकल एडवाटेजिज़ हैड लेट टू मैनी इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन लाइफ इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इन द टेस्टिव बेबीज उनमें से जो इम्प्रूवमेंट ह्यूमन बींग में आई है उनमें से एक है टेस्टिव बेबीज पेरेंट्स विच आर अनएबल टू इन्जॉय द वो पेरेंट्स वो वालदेन नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को जो इन्जॉय नहीं कर पाते एंड बर्थ देयर ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ फिजियोलॉजिकली या फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ स्पेशली फीमेल की बॉडी में जो एग एक को एक्सेप्ट करके आ, जो एग और फर, जो स्पम है उसको फर्टिलाइज नहीं हो पाती अब उन लोगों में क्या होता है कि ये वो टेस्ट ट्यूब बेबी से फ़ायदा उठाते हैं होता क्या है कि पेरेंटल स्पाम और ओवम इस फर्टिलाइज वाइट्रो वाइट्रो का लफज हम इस्तेमाल करेंगे आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड देन जयकोड इज जब फर्टिलाइजेशन करवा दी जाती है तो उस जयकोट को दोबारा फी उसी फीमेल की बॉडी में इम्प्लान्ट कर दिया जाता है जयकोड इज इम्प्लान्टड बैक इनटू द मदर यूटरस मदर की यूटरस में दोबारा इम्प्लान्ट कर दिया जाएगा अब जब जयकोड इम्पलान्ट कर दिया जाएगा तो प्लेसेंटा ख़ुद ब खुद डिवेल्प होगा रिमेनिंग डिवेल्पमेंट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ द मदर लीडिंग टू द नॉर्मल बर्थ और उसके बाद जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होगा और नॉर्मल बर्थ होगी एट द एंड स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेक्शुल ट्रांसमिटेड डिजीजेज़ जो सेक्शुल ट्रांसमिटेड डिजीजे प्रेगनेंसी के दौरान या बर्थ के दौरान जो डिजीज ट्रांसफर होती हैं मदर से ऑफ स्प्रिंग में वो कौन सी हैं गनोरिया साइफिलस और जेनिटल हर्पस या एड्स गनोरिया के एड इज़ काज बाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरियम ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरियम की वजह से होती है गनूरिया अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरियम का नाम क्या है निसीरिया गनूरिया इसका साइंटिफिक नेम है इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है मेनली अफेक्टेड द म्यूकस मेमब्रेन ऑफ द यूरिनोजेटल ट्रैक यूरिनोजेटल ट्रैक फीमेल के जो रिपोर्डक्टिव ट्रैक है उसको हम यूरिनोजेनिक ट्रैक कहते हैं उसके ऊपर ये बैक्टीरिया इफेक्ट करता है न्यू बॉर्न जो इन्फेंट है मे एक्वायर सीरियस आई इन्फेक्शन चूँकि न्यू बॉर्न बेबी ने यूरिनोजेनिट से ही बाहर आना है तो उसको आई इन्फेक्शन हो सकती है इस बैक्टीरियम से इफ दे पास थ्रू द इन्फेक्टेड बर्थ कैनल अगर वो इन्फेक्टेड बर्थ कैनल से हैं तो आई इन्फेक्शन हो सकती है इट इज़ हाईलीस टूर द सेक्शुअल कंटैक्ट और ये वाली जो यूरिन जनटेड टू कि सेक्शुअल कंटैक्ट के दौरान ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है नेक्स्ट है कि साइफिलिस इट इज काज बाई स्पायरोट ये एक बैक्टेरियम है उस स्पाय चीट का नाम आ गया आपके पास ट्रिपोनीमा पेलीडम इट डैमेज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आइज जॉइंट्स इनको डैमेज कर देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हार्ट और स्किन को डैमेज करते हैं सेक्सुअल कंटेक्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ डिसिमिनेशन इसके जो स्प्रेड होने का जो मेजर सोर्स है वो है सेक्सुअल कंटेक्ट नेक्स्ट से हमारे पास एक डिजीज़ है जेनिटल हर्पस इट इज काज बाई हर्पस सिम्प्लेक्स टाइप टू वायरस ये एक वायरल डिजीज़ है ये दोनों हमारे पास बैक्टीरियम थी ये वाली वायरल डिस मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रांसमिटेड बाई सेक्शुअल कंटेक्ट सेक्शुअल कंटेक्ट से ट्रांसमिटेड होती है काजिंग इन्फेक्शन ऑफ द जेनीटेलिया जेनिटेलिया में ये इन्फेक्शन यानी कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसमें इन्फेक्शन की वजह बनती है इट प्रोड्यूस जेनेटल सोर्स जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसमें सोर या अल्सर की वजह बनती है इफेक्टेड एरिया में द इन्फेक्ट प्रेगनेंट वुमेन वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू इन्फेक्ट इन्फेंट इन्फेंट कहते हैं अब जो डवेलपमेंट की बेबी की एक स्टेज आएगी यानी कि बर्थ के बाद अब हम इंफेंट कहेंगे यानी कि उस जो हमारे पास जो बेबी है हम उसको नाम देंगे इन्फेंट काजिंग डैमेज टू आई एंड सेंटेनोर सिस्टम और इन्फेंट इन्फेंट की आइज़ और सेंटर सिस्टम को डैमेज कर दें एट द एंड एड्स एम एड्ज एक्वायर्ड अम्यूनोड है इस डिजीज के दौरान ये भी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड या कंटेमिनेशन जिंदगी से ट्रांसफ़र होता है और मदर टू बेबी भी आ जाता है ड्यूरिंग बर्थ और स्टूडेंट्स ये क्योंकि इम्यून सिस्टम कमल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाता है ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर एटीन को कम्प्लीट किया नेक्स्ट जो आपका इंशाल्लाह सैटरडे को टेस्ट आना है वो चैप्टर नंबर एटीन का ही होना है थैंक यू स्टूडेंट्स